नमस्कार, मैं सोनी ओझा, स्वागत है आपका NN24 न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं झारखंड के खबरों की ओर। मेंढो चपरखो पंचायत पूर्व मुखिया चूना देवी के परिजनों पर मेंढो निवासी टोला तरिया निवासी प्रवीण कुमार यादव ने जमुआ थाना में एक आवेदन देकर कहा कि मैं पूर्व के दिन पंचायत चुनाव लड़ा था और पूर्व मुखिया भी चुनाव मैदान में थी। इस चुनाव में हम दोनों मुखिया पद का चुनाव हार गए। इस बीच 23 मई को पसंस ने विजय जुलूस निकाला था। इसे लेकर कुछ लोगों ने कहा कि चलो जुलूस में भाग लेना है। हम कुछ समय लेकर जुलूस में गए और कुछ देर के बाद जुलूस से निकल गए। इस बीच पूर्व मुखिया के परिजनों ने मेरे साथ मारपीट किया एवं गले का पहना हुआ चैन भी छीन लिया, जिसमें प्रकाश यादव, सदानंद यादव, लालू प्रसाद यादव आदि ने मारपीट किया एवं धमकी भी दिया कि तुम हमारे पूर्व मुखिया के खिलाफ चुनाव लड़े थे, यही वजह है कि हम चुनाव हार गए और तुम्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। हमारे नेताजी खा रहे थे तो कल हमारे पंचायत में अयोध्या यादव का विजेता था, तो वो उसका रैली था उसमें, तो हम उधर से आ रहे थे, बड़े संख्या में था वो लोग, तो हम अपना गाड़ी साइड करके और साइड में खड़े थे। तो उतने में पूर्व मुखिया चूना देवी निर्माता सदानंद यादव उसका भाई ने हमको पकड़ के और मारपीट किया, गाली गुप्ता भी किया हमारे पास, हमारे जो गले में चैन था वो भी वो लोग छीन लिया है। प्रवीण कुमार यादव ने इलेक्शन लड़ा था और तीन मुखिया का कहना है क्या नहीं तुम्हारे खिलाफ जो है सो हम हार गए और पूरा सहमति लेकर ही जो है तो हम जो है हुए थे और मेरे ऊपर जो है जान मारने का कारण जो है वो धमकी दे रहा है कि नहीं काट देंगे, तो मुझे ही हटाएंगे वहीं काट देंगे, पर शासन ने इस पर कार्रवाई किया जाएगा। मेढो चपरखो पंचायत का चुनाव संपन्न हो चुकी है, परिणाम भी घोषित हो गई है और वहाँ के पूर्व मुखिया के द्वारा प्रवीण कुमार यादव जो वह भी पंचायत चुनाव लड़ रहे थे उनके साथ गलत हरकत की है, गलत रूप से पेश किया है, इसके साथ मारपीट भी की है। मुखिया के परिजनों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि तुम मेरे विरोध में चुनाव क्यों लड़ा है, आज अगर तुम चुनाव नहीं लड़ते तो आज हम नहीं हारते, इसी के वजह से इनके साथ मारपीट की है। इन्होंने स्थानीय प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है कि हमारी मांग को लिया जाए और उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पर कानूनी कार्रवाई करने की प्रवीण कुमार यादव ने मांग की है।